तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जो है कि अपने बाइक को यहाँ पर बैक करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर दीवार में लड़के जो है ना उसका पीछे का जो बैक लाइट होता है वो लाइट जो है कभी कभी टूट जाता है, यानी कि भारी नुकसान हम लोग को हो जाता है। तो इस वीडियो में ऐसा एक सर्किट यहाँ पर बनाने वाले हैं, यानी कि आपको दिखाने वाले हैं कि उससे क्या होगा ना कि कभी भी बाइक को आप बैक करने के लिए जाइएगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि वो दीवार में अटैच हो रहा है, या उससे पहले ही यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और कभी मान लीजिए कि बाजार में अगर भीड़ भाड़ में आप वहाँ पर अब जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कोई पीछे वाला जो इंसान रहेगा वो मेरे बाइक में टच तो नहीं कर रहा, यानी कि मेरे करीब तो नहीं आ रहा, तब भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू कर। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो है कि एक आईसी का यूज करना पड़ेगा, जो कि ये 7805 है, सभी लोग आप लोग जानते हैं क्योंकि काफ़ी पॉपुलर आईसी है। इसका इसलिए यूज करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर होता क्या ना कि हम लोग का बाइक का जो यहाँ पर बैटरी होता है वहाँ पर जो है कि 12 वोल्ट का होता है, और यहाँ पर हमको जो है कि 5 वोल्ट चाहिए, तो इसका जो है कि हमको यूज करना जरूरी पड़ रहा है। तो अभी चलिए उसको दूसरा हम जो यूज करेंगे, यहाँ पर हमको बजर यूज करना है। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके का बजर यूज कर सकते हैं, और नहीं तो बाइक का जो बजर होता है आप उस बजर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपके पास बाइक का जो बजर है उसमें भी यूज कर सकते हैं और अलग से भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर इंडिकेट के लिए यहाँ पर पता चलता रहे। अभी जो यहाँ पर मेन चीज आ रहा है, आपको यहाँ पर एक IR यहाँ पर सेंसर आपको यहाँ पर ले लेना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, काफी आसानी से ये मिल जाता है। ये एडजस्टेबल होता है, इसको जो है कि आप इसका दूरी को जो एडजस्ट कर सकते हैं जितना दूरी आपको चाहिए, यानी कि आपका बाइक का ये पीछे का साइड में आपको लगाना पड़ेगा, और बाकी का सिस्टम आपको बताएंगे कनेक्शन इसका किस तरीका से करना है। कनेक्शन ही इसका मैन है, कनेक्शन आपको अच्छे तरीके से करना होगा। तो इसको जो है कि आपको दूरी यहाँ पर सेट कर लेना है, कितना दूरी में वो कोई भी बंदा या दीवार में अगर आप बैक कर रहे हैं तो आपको उतना में जो है कि ये टच हो, यानी कि टच होने से पहले ही यहाँ पर जो है कि इंडिकेट कर दे ताकि हमको समझ में आ जाए, क्योंकि अच्छा खासा गाड़ी अगर टूट जाता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना भारी नुकसान हो सकता है और देखने में भी काफी खराब लगता है। तो चलिए इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। तो कनेक्शन इसका कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको डायरेक्ट इसमें जोड़ देना है। एक स्विच जरूर से लगा लीजिएगा ऑन ऑफ के लिए। तो यहाँ पर ये जो 7805 ये जो IC है, तो आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से आपको उल्टा कर देना है, और इसके पिन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो फर्स्ट पिन है इसका ये आउट है, बीच वाला इसका ग्राउंड है, और ये इसका जो 3 नंबर का ये VCC है, यानी कि यहाँ पर आपको 5 वोल्ट यहाँ पर इनपुट कराना है, बीच वाला ग्राउंड है और इससे आपको आउटपुट लेना है। तो चलिए आपको करना क्या है, ये जो IC है आपको इसको उल्टा कर लेना है इस तरीका से। तो IC के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, ये इसका इनपुट होता है जो कि 12 वोल्ट यहाँ पर इनपुट आएगा, ये इसका ग्राउंड है यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो जाता है, और इसका ये आउटपुट जो कि पॉजिटिव यहाँ से आउटपुट करता है। ये इसलिए बताया क्योंकि काफी सारे भाई को हो सकता है कि नहीं पता हो। तो इसको आपको उल्टा करना है, और उल्टा करने के बाद इन दोनों पिन में आपको जोड़ लेना है, ठीक है, यानी कि एक ग्राउंड ग्राउंड में चला जाएगा और इसका जो VCC जो आउट है, IC का जो आउट है ये इसका इनपुट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपको जोड़ लेना है, आप किसी भी तरीका से यहाँ पर जोड़ सकते हैं, आपको जैसे यहाँ पर सुविधा लगे उस अनुसार यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर इस तरीका से इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट का हमने इस तरीके से कर लिया है। अभी आपको करना क्या है, बजर आपको ले लेना है, बजर का वायर आप चाहे तो बड़ा करके आपका हैंडल के पास भी इसको लगा सकते हैं, वायर बड़ा करके, और इसको बैक साइड में आपको लगा देना है ताकि आपको इंडिकेट मिलता रहे। बजर वगैरह में कभी कहीं पर भी रहेगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसका जो नेगेटिव रहेगा, बजर में भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो जो इसका नेगेटिव रहेगा वो आपको यहाँ पर जो आउट वाला पिन है इसमें आपको सॉल्डरिंग कर देना है। चलिए ये आप देख सकते हैं, इसका आउट वाला पिन है, इसी में हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये जो इसका पॉजिटिव है ये इसका इस साइड यानी कि इसका जो VCC है इसी में आपको सोल्डरिंग कर देना है। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट यहाँ पर मिलता है, तो बाइक का बजर भी जो है कि यहाँ पर 5 वोल्ट पर अच्छा खासा काम करता है। कोई जरूरी नहीं है आपके मन में यह सवाल आएगा कि बाइक का जो बजर होता है वो 12 वोल्ट का होता है और यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस सर्किट में आपको बता दे तो यहाँ पर आप 12 वोल्ट इसमें नहीं दे सकते हैं, ये जो है कि खराब हो जाएगा, यहाँ पर आप 5 वोल्ट ही यहाँ पर दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से और लॉन्ग टाइम तक यह काम करता ही रहेगा। अभी चलिए यहाँ पर आपको इनपुट करना है, तो इनपुट सप्लाई आपको दे देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एक आपका पॉजिटिव इनपुट यहाँ पर करना है और नेगेटिव ये बीच वाला में आएगा, जैसा कि आप जानते हैं ये हीट सिंक में यहाँ पर ये जो है इसमें कनेक्ट होता है नेगेटिव, तो हम नेगेटिव यहीं पर दे देंगे। एक बात और आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर हीट सिंक देने का कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे ही काम करेगा, हीट सिंक का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तो चलिए हम जो यहाँ पर सप्लाई देंगे अपने पावर सप्लाई से यहाँ पर सप्लाई देंगे, मेरे पास पावर सप्लाई यहाँ पर 12 वोल्ट का है, तो हम यहाँ पर 12 वोल्ट दे देते हैं। आपको पास यहाँ पर बाइक का बैटरी रहेगा वो आप लगा दीजिएगा। तो ये रह गया इसका पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हमको यहाँ पर देना है, और ये रह गया इसका नेगेटिव। डायरेक्ट आप पॉजिटिव नेगेटिव आप यहाँ पर किट में मत दीजिएगा क्योंकि ये खराब हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको पहले समझा दे रहे बता दे रहे हैं। ये इसका नेगेटिव रहेगा जो कि डायरेक्ट यहाँ पर रहेगा। अभी आप देख सकते हैं एक लाइट यहाँ पर जल रहा है ग्रीन, और ये जो बजर है ये बंद बंद पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो इसका सेंस जो है कि आप सेट कर सकते हैं, जैसा कि देखिए ये हाथ दे रहे हैं यहाँ पर बज रहा है और लाइट भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए इसका दूरी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अभी जैसा कि हम इतना दूरी पर आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर एडजस्टेबल आपको यहाँ से कर लेना है जितना पे एडजस्ट करना है, यहाँ पर देख सकते हैं एक पीसेट दिया गया है, तो इसके मदद से आप इसका दूरी को कम बेसी जितना दूर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं यहाँ पर रख लीजिए। काफ़ी अच्छे तरीका से प्रॉपर तरीका से ये काम करता है, देखा जाए तो बहुत ही काम का चीज़ है ये। तो इस तरीके से जो है कि आप इसको बना करके लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पर झमेला नहीं है और अच्छा खासा ये काम भी करता है, ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए छोटा सा यहाँ पर जानकारी था, छोटा सा वीडियो था जो हमने यहाँ पर बनाया। बाकी वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीका से छोटा सा बड़ा यहाँ पर वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।